कितनी अदा करनी पड़ेगी इस को का फैसला कैसे होगा उसके लिए हम जितने भी कैश फ्लोज आ सकते हैं उसके ऊपर फॉर एग्जांपल आपको डिविडेंड मिलेगी एक साल के बाद या छः माह के बाद जो भी कंपनी ने डिसाइड किया हुआ है टर्म्स एंड कंडीशंस आपको बताए जाएंगे जब आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे अपने ब्रोकर के थ्रू तो आपने उसके लिए अदा करने पैसे का तयन होने के वास्ते आपको कंसिडर करना पड़ता है कि डिविडेंड मिलेगा एक साल के बाद या छः माह के बाद और फिर जब मैं इसको मार्केट में इसके मचॉर होने के ऊपर या इस पर्टिकुलर एसेट को जब मैंने मार्केट में एक साल के बाद या दो साल के बाद या जब मेरा दिल चाहे उस वक्त मैं इसको बेचूं तो उस वक्त इसकी कीमत मुझे क्या मिलेगी तो ये दो अहम बातें हैं जिनको हम कंसिडर करते हैं प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने में और जब हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं तो उससे हम उसको उससे पता चलेगा कि इसकी कीमत क्या होनी चाहिए इस पूरे सिलसिले के लिए हम एक डिस्काउंट फैक्टर इस्तेमाल करते हैं सो दैट डिस्काउंट फैक्टर इज बेसिकली द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ़ रिटर्न विच यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दैट इन्वेस्टमेंट और हमने जो भी प्राइस का हिसाब लगाना है हमारे कॉमन स्टॉक के लिए उसको हम प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं अपनी आसानी के लिए समझने के लिए और ये प्रेजेंट वैल्यू उन तमाम कैश फ्लोज को कंसिडर करके कैलकुलेट की जाती है जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इस पर्टिकुलर स्टॉक पे मुझे फ्यूचर में मिलने वाले हैं सो एंड द टू प्राइमरी थिंग्स दैट आर टू बी टेकन इनटू अकाउंट इज़ द डिविडेंड एंड द सेल प्राइस ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉन्ड और कॉमन स्टॉक जो आप बाय करने वाले हैं सो वैन वी आर वैन वी आर ट्राइंग टू असेस के हाउ डू वी कैलकुलेट द प्राइस तो उसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं एंड दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड द वन पीरियड वैल्यूएशन मॉडल सो बेसिकली द इंटायर प्रोसेस इज मेड सिंपल बाय मेकिंग द होल थिंग कैलकुलेबल फॉर वन ईयर और फिर हम उसको जनरलाइज करते हैं इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट कॉमन स्टॉक दैट इज़ गोइंग टू बी जिसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉर मोर देन अयर उसके ऊपर हम बाद में जाएंगे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ एक साल को कंसिडर करके वन पीरियड वैल्युशन मॉडल को कंसिडर करके कि हम एक साल में जो भी कैश फ्लोज आएंगे उसको कंसिडर करके हम उसका प्रजेंट वैल्यू निकालेंगे सो बेसिकली वैन वी लुक एट दिस पर्टिकुलर मॉडल इसके लिए हमें तीन चीज़ें तीन तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए द फर्स्ट वन इज़ द डिस्काउंट रेट जिसको जिसको मैंने अभी आपको बताया कि इट इज़ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट तो अगर आप एक लाख रुपए या पचास हजार रुपए या पाँच लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं इन अ सर्टन स्टॉक ऑफ अ लिस्टेड कंपनी तो उस से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे इससे बारह फीसद रिटर्न मिलने वाली है या दस फीसद रिटर्न मिलने वाली है या ट्वेंटी फाइव परसेंट रिटर्न मिलने वाला है तो वो पर्टिकुलर रेट ऑफ रिटर्न को आप कंसिडर करते हैं द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आप को आपको कंसिडर करना है जो उससे डिविडेंड की पेमेंट आएगी आपके पास और तीसरी जो अहम चीज़ है दैट इज द फाइनल सेल्स प्राइस इन तीनों चीजों को हम जब कंसिडर करते हैं तो वी विल बी एबल टू फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द पॉसिबल कैश फ्लोज by considering this particular expected rate of return on investment in this particular common stock और उसके लिए अभी मैं आपको formula discuss करने लगी हूँ आपके साथ में कि हम इस formula में ये सारे values को plug करेंगे और वहाँ से हम present value of the future cash flows को account for करके तयन करेंगे कि इसकी कीमत किसी भी common stock की जिसमें आप invest करने के लिए plan कर रहे हैं या आपने कोई फाइनेंशियल एनालिस्ट को या एक्सपर्ट्स को हायर किया वो किस तरह से तयन करेंगे कि इसकी कीमत क्या होनी चाहिए फॉर दैट मैटर वट आई एम गोइंग टू टेक इन टू अकाउंट इज द फर्स्ट लेटर जो पी नॉट बोला है पी नॉट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉमन स्टॉक पी वन हम एज्यूम हैं कि ये हमने एक साल के बाद मार्केट में जाके वापस बेच देना है डिविडेंड लेंगे उसके बाद इसको बेच देंगे तो जो जिस कीमत पे हम इसको एक साल में बेचेंगे उसको हम बोल रहे हैं पी वन जो हमारा फ्यूचर वैल्यू है एक साल के बाद का हम अभी एज्यूम करें कि हम एक साल के बाद इसको वापस कर देंगे बेच देंगे हम सिर्फ इसको एक साल के लिए होल्ड करने वाले हैं देन वी नीड अनदर इन्फॉर्मेशन एंड दैट इज़ द डिविडेंड के डिविडेंड कितना मिलेगा इस पर्टिकुलर एसेट के ऊपर तो हम क्या करेंगे कि डिविडेंड की प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हम इसको डिस्काउंट फैक्टर के साथ में डिवाइड करेंगे फिर इसमें प्लस कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर प्राइस फ्यूचर सेलिंग प्राइस उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए आपको फ्यूचर सेलिंग प्राइस P1 को डिवाइड करना पड़ेगा वन प्लस डिस्काउंट रेट जो भी आपने एज्यूम किया है कि मुझे इस इन्वेस्टमेंट से आई एम एक्सपेक्टिंग दैट आई विल बी एबल टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ ट्वेल्व परसेंट और एट परसेंट और वॉट एवर इज़ देयर जो भी मार्केट में इस वक्त रेट चल रहा है उसके हिसाब से आप अपने ये डिस्काउंट रेट को कंसिडर करते हैं तो वो लिया और हम इसको कैलकुलेट करके निकालेंगे इसका प्रेजेंट वैल्यू सो वी दिस द फॉर्मूला विच यू आर सीइंग ओवर हेयर इज द इज बेस्ड अपॉन वन पीरियड वैल्यूएशन मॉडल इसमें आपको यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक टाइम एक साल की टाइम पीरियड की वैल्यूज हम कंसिडर कर रहे हैं जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि सिंपली आप एक साल की वैल्यूज़ की बेसिस पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर कैश फ्लोज कैसे निकालेंगे एंड दिस प्रेजेंट वैल्यू विल गिव यू एन आइडिया कि व्हाट शुड बी द प्राइस ऑफ अ कॉमन स्टॉक जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते